नमस्कार, वेलकम टू योर चैनल स्टॉक मार्केट विजार्ड्स। आपके स्क्रीन के सामने जो चार्ट ओपन हुआ है, ओपन है मोरेबल लैब का। टाइम फ्रेम सिलेक्ट हुआ है मंथली। देखिए, स्टॉक का प्राइस या ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली आउट परफॉर्म कर रहा है। अगर आप इस स्टॉक का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे, स्टॉक का प्राइस ईयर 2000 में यहाँ पे टॉप ट्रेड किया था। उसके बाद देखिए, प्राइस जब भी रेड लाइन को टेस्ट कर रहा था, प्राइस को हमेशा से सप्लाई मिला है। इसका मीनिंग था कि स्टॉक का प्राइस के लिए रेड लाइन था मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, जिसको स्टॉक का प्राइस ईयर 2021 में ब्रेकआउट किया। आज फॉर द प्राइस एक्शन, अगर प्राइस कभी भी कोई भी एक मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर लेता है, इसी केस में रेड लाइन, ब्रेकआउट करने के बाद अगर प्राइस रिटेस्ट करेगा वही रेजिस्टेंस लाइन, अभी के लिए आ जाए मल्टी ईयर का सपोर्ट। एंड एग्जैक्टली देखिए, प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट के बाद पुल बैक किया, वही रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट जैसा काम कर रहा है। एंड जब प्राइस यहाँ पे मल्टी ईयर का सपोर्ट को टेस्ट किया था, यहाँ पे हम डिटेल्स में एनालिसिस किए थे कि स्टॉक का प्राइस मल्टी ईयर का सपोर्ट के आसपास आ गया है एंड यहाँ से आउट परफॉर्म कर सकता है। एंड उसके बाद एग्जैक्टली देखिए, स्टॉक का प्राइस अभी आउट परफॉर्म कर रहा है। उसके साथ देखिए, प्राइस हमेशा से चैनल को फॉलो करता है। आफ्टर ईयर 2013 प्राइस देखिए इस अप ट्रेंड चैनल को फॉलो कर रहा है। दोनों ब्लैक लाइन के ऊपर फोकस कीजिएगा। जब भी प्राइस इस चैनल का अपर बाउंड्री को टेस्ट कर रहा है, मल्टीपल टाइम सप्लाई मिला है एंड लोअर बाउंड्री से मल्टीपल टाइम डिमांड मिला है। इसका मीनिंग है कि स्टॉक का प्राइस के लिए जो दोनों ब्लैक लाइन है ना, ये हो गया एक अप ट्रेंड चैनल। एंड प्राइस देखिए, चैनल का दोनों बाउंड्री को मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेस्पेक्ट किया है। एंड जिस टाइप का अभी स्ट्रक्चर शो कर रहा है, लुक्स लाइक स्टॉक का प्राइस जाकर टेस्ट कर सकता है उसका मल्टी ईयर का रेजिस्टेंस, जो कि लेवल बन रहा है 120। प्रोबेबिलिटी हाई है कि जिस टाइप का स्ट्रक्चर शो कर रहा है, प्राइस एक बार 120 लेवल को टेस्ट करेगा, उसके बाद इस टाइप का क्रैश हो सकता है। अभी के लिए तो प्राइस और भी 50 पॉइंट मूवमेंट कर सकता है, क्योंकि स्टॉक का अभी करंट प्राइस चल रहा है नियरली 78। प्रोबेबिलिटी हाई है कि स्टॉक का प्राइस उसका मल्टीपल का रेजिस्टेंस 120 को टेस्ट कर सकता है। नो डाउट जिनके पास से होल्ड करना चाहिए, अगर आप फ्रेश एंट्री करना चाह रहे तो पुल बैक में कीजिएगा, क्योंकि प्राइस अभी आउट परफॉर्म कर चुका है। अगर किसी भी मार्केट का बैड कंडीशन के ऊपर स्टॉक का प्राइस यहाँ पे पुल बैक करके 64 के आसपास आ जाएगा, यहाँ पे फ्रेश एंट्री बन सकता है। एंड जिस टाइप का प्राइस यहाँ पे मल्टीपल का चैनल को टेस्ट कर रहा है, आने वाले टाइम में स्टॉक का प्राइस मिनिमम तो 120 मल्टीपल का रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकता है। फ्रेश एंट्री पुल बैक में नियरली 64 के आसपास मौका ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स देखेंगे, तो देखिए सेल्स यहाँ पे ग्रो कर रहा है। 423 करोड़ से सेल्स यहाँ पे ग्रो होकर हो गया है 455, और नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे 29 करोड़ से इंक्रीज होकर हो गया है 36 करोड़ का। सेल्स और नेट प्रॉफिट ग्रो कर रहा है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर आ रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, तो FII देखिए यहाँ पे अग्रेसिवली शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। 1.67% से इंक्रीज करके अभी कर दिए हैं 7.72%। तो FII लगभग 5% शेयर होल्डिंग को इंक्रीज किए हैं और DIB यहाँ पे इंक्रीज किए हैं 2.14% से 2.84%। FII एंड DI दोनों शेयर होल्डिंग को इंक्रीज कर रहे हैं। टेक्निकल सेटअप बुलिश से प्राइस को एक बार 120 लेवल को टेस्ट करना चाहिए, उसके बाद स्टॉक का प्राइस क्रैश होगा। आफ्टर 120 वहां पे होल्ड नहीं करना चाहिए, लेकिन फ्रेश अपॉर्चुनिटी पुल बैक में ले सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आप डेटा एनालिसिस समझ पा रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।